अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू का भरता। आलू का भरता बनाने के लिए मैंने 1 किलो आलू ले लिया और उसको उबाल के अच्छी तरह से छील लिया। 3 अदद टमाटर लिया और उसको इस तरह मैंने काट लिया है, और 8 अदद हरी मिर्च और उसको भी इस तरह बारीक काट लिया है। 6 अदद मैंने लहसुन लिया है, उसको भी बारीक चॉप कर लिया है। 1 टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, उसको भी बारीक चॉप कर लिया है। हरी प्याज का सफ़ेद वाला पार्ट मैंने लिया है, आप जितना चाहे उतना इस्तेमाल करें। और कड़ी पत्ता मैंने आधी गड्डी ली। 1 चम्मच मैंने धनिया साबुत लिया और उसको भून के क्रश कर लिया, और 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च लिया है, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच काली मिर्च लिया है। ज़ीरा मैंने 1 चम्मच लिया है, और नमक हसबे ज़रूरत, चाट का मसाला मैंने 1 चम्मच भर के लिया। 1 टिकिया मैंने मक्खन का लिया है, और हरी प्याज लिया है मैंने उसका ग्रीन वाला हिस्सा, जितना चाहे इस्तेमाल करें। और 3 अदद नींबू का जूस लिया है। सबसे पहले मैं आलूओं को मैश कर लूँगी इसकी मदद से। देखिए भरता अच्छी तरह से मैश हो गया, चलिए भरता बनाते हैं। 2 चम्मच मैं तेल डालूँगी और साथ में 1 टिकिया मक्खन, और इनके पिघलने का इंतजार करें। अब डालेंगे हरी प्याज का सफेद वाला पार्ट है, और साथ में हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे और थोड़ा सा से हम पकाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च डालेंगे और साथ में अदरक और ये लहसुन और कड़ी पत्ता। और इन सबको हम थोड़ा सा पकाएंगे। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। और धनिया भुना हुआ जिसे मैंने क्रश कर लिया था। नमक हसबे ज़रूरत, कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच, काली मिर्च 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, चाट मसाला 1/2 चम्मच। अब मैं इसे अच्छी तरह से चला लूँगी, और चलाने के बाद मैं इसे ढक दूँगी ताकि टमाटर हमारा अच्छी तरह से गल जाए। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये लगे ना। और इसको ढक देंगे हम ताकि हमारा टमाटर अच्छी तरह से। देखिए टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से गल गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे लेमन जूस, और साथ में हम डालेंगे इसमें हरी प्याज का ग्रीन वाला हिस्सा और आलू। अब इनको अच्छी तरह से मैं चला लूंगी, और इस वक्त आके आप नमक चख लीजिएगा, अगर नमक कम हो तो डाल लीजिएगा। मेरा नमक बिल्कुल सही है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे बस इतना,
और इसको अच्छी तरह चला के और 2 मिनट के लिए हम इसे दम पे रखते हैं। और इसे हम 2 मिनट के लिए दम पे रख देंगे ताकि हमारा जो मसाला है सब आलू में आ जाए। दो मिनट तक मैंने इसको दम पे रखा था ताकि मसाला आलू के अंदर आ जाए। अब बिल्कुल अच्छी तरह से एक दफ़ा चला लेंगे। अब देखिए आलू का भरता बनके तैयार है। चूल्हा बंद करती हूँ, डिश आउट करती हूँ। का भरता बनके तैयार है। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।